चलिए आज का स्टार्ट करते हैं ईडियम फ्रेजेज। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए ईडियम फ्रेजेज हैं जो मैं आपके साथ डील करता हूँ। कुछ ऊपर 2015 के हैं, फिर टोटली 2016 के हैं, 2014 के भी हैं मेरे पास, 2015 के पूरे हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि आधे घंटे में जितना डील हो सकता है प्रॉपर तरीके से वो करूँगा, अदरवाइज अगला जो है नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। बात करें फाइट टूथ एंड नेल, ये शायद मैंने आपको पढ़ा है, एक बार रिवीजन की तरह इसे ले लीजिए। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई करना, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए इसका मतलब होता है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी क्षमता के साथ लड़ाई करना, लड़ाई करना। सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, सो ए क्लीन पेयर हिल्स, आप हिल्स का मतलब होता है भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना, टू रन अवे फास्ट, जल्दी से भाग जाना, किसी को देखना, जैसे चोर होते हैं पुलिस को देखा उन्होंने बहुत तेजी से भाग लिया। टू फ्ली स्विफ्टली, टू फ्ली स्विफ्टली, ये भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि अब सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स के बजाय उसने टू रन फास्ट अवे, ये तो नहीं पूछता है, लेकिन टू फ्ली स्विफ्टली ये पूछ सकता है। तो इनका मतलब क्या होता है कि भाग जाना, बहुत तेजी से भाग जाना। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन का मतलब होता है कि मनगढ़ंत दिखावा, कनकोटेड, सुपरफिशियल, जो हकीकत ना हो। क्या हो? जो हकीकत ना हो। तो कनकोटेड, ऑल मून साइन, सुपरफिशियल, इन सबका मतलब वो होता है कि जो दिखावा एक तरीके का। अप टू द मार्क, जैसे हम कहते नहीं कि तुम्हारा काम अप टू द मार्क है, मतलब जैसा कि जरूरत है उस हिसाब से तुम्हारा काम है। अप टू द मार्क का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जरूरत के हिसाब से। क्या? जरूरत के हिसाब से। मेरी आवाज़ ध्यान लगा के सुनिएगा, इधर उधर मत होइएगा वीडियो देखते वक्त। ए रेड लेटर डे, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डे होता है उसको बोलते हैं रेड लेटर डे। जैसे 15 अगस्त इंडिया के लिए रेड लेटर डे है, जो है 26 जनवरी रेड लेटर डे है। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब ये होता है कि किसी काम में, जैसे बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आप अलग थलग बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे उसमें, तो वो होता है सिट ऑन द फेंस। टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग और इन्फ्लुएंसिंग समथिंग, किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को डिसाइड करने में पार्टिसिपेट ना करना, आपका अलग रहना। क्या होना? अलग थलग रहना, अलग थलग रहना। शेक ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है फॉरगेट, टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेसिंग और फॉलोइंग अप। फॉर फॉरगेट एग्जैक्टली, टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेसिंग और फॉलोइंग यू। एक तो इसका मतलब होता है फॉरगेट भी, और दूसरा मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको जो है फॉलो कर रहा है तो वहां से भाग लेना। क्या करना? भाग लेना। कुक कॉक एंड बुल स्टोरी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब ये होता है कि मनगढ़ंत कहानी, कोई रियल स्टोरी नहीं होती। क्या होती है? कोई रियल स्टोरी नहीं होती है। तो एक कनकोटेड और एब्जर्व स्टोरी, एब्जर्व का मतलब होता है असंगत, जिसका कोई मतलब ना हो। पुल ए लॉन्ग फेस, पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है डिजेक्टेड। क्या? लुक डिजेक्टेड, मतलब उदास दिखना। पुल ए लॉन्ग फेस, होता नहीं घर में किसी ने माँ बाप ने बच्चे को डांट दिया तो उसने बड़ा सा चेहरा खींच लिया, बना लिया ऐसा मुंह टेढ़के टेढ़ा करके, तो वो होता है पुल ए लॉन्ग फेस। एन अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, मतलब अच्छा एक्सप्रेशन ना शो करना। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का मतलब ये होता है कि आप शक के घेरे में आ जाओ। क्या? शक के घेरे में आ जाओ, अंडर सस्पिशन, शक के घेरे में। हिंदी भी आप लोग याद कीजिएगा, अगर हिंदी याद नहीं करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझ पाना, फिर वो कन्फ्यूजन आ जाता है ना, तीन चार एक साथ जब ऑप्शन में दे दिया जाता है तो लगता है कि अच्छा ये होता है कि ये होता है। कैटनैप, कैटनैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ। टू पुल ए लॉन्ग फेस, ये दोबारा आया हुआ है। लुक सैड, फिट लाइक ए ग्लोब, ये भी मैंने बताया है कि परफेक्टली, जैसे ग्लव्स फिट होता है ना एग्जैक्टली, जो हाथ में वैसे ही होता है परफेक्टली कोई चीज़ बात की जाए। कॉट रेड हैंडेड, ये सब लोग आप जानते हो। डिस्कवर्ड इन द एक्टिंग ऑफ डूइंग समथिंग। गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट, गेट क्रैशर, सॉरी गेट कैसर, अगर कोई ऐसा हो कि इसको ऐसे समझ सकते, कोई बंदा आया आपका गेट ठक 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 कर रहा है, मतलब आपने उसे इनवाइट नहीं किया है, तो ये होता है गेट अनइनवाइटेड गेस्ट। ये सारे 2016 में आए हुए हैं। टू एंगल, टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, मछली पकड़ना। टू एंगल टू फिश, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पज इज, फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पज इज। प्रैक्टिकली, इसका मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज का मतलब होता है प्रैक्टिकली। गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे का मतलब होता है जैसे कि कोई काम हो रहा है, अगर आपसे मतलब काम थोड़ा टफ हो तो आप पूरा का पूरा अपना स्ट्रेंथ लगा दो कि हाँ आप ये काम करके ही रहेंगे। तो डू एवरीथिंग पॉसिबल, पूरी स्ट्रेंथ लगाना, पूरी क्षमता लगाना जितना भी आपके पास है। गो आउट ऑफ वंस वे, और जितना आपके पास क्षमता उससे भी कहीं ज़्यादा मर मर के काम कर रहे हो तो गो आउट ऑफ वंस वे वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इन द रनिंग, ये भी मैं बता चुका हूँ कि इन द रनिंग का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उसको बनाए रखना। हैज़ गुड प्रॉस्पेक्ट इन कॉम्पिटिशन। बीट अबाउट द बज, बीट अबाउट द बज का मतलब होता है कि राग अलापना। क्या होता है? राग अलापना, जैसे टॉपिक कहीं चल रहा है और आपका अलग अगर अलग रहे हो।
कि सपोज करो कि जैसे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही है, कुछ स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, और कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ भी पढ़े चल रहे हैं, उनका अपना अलग ही अलाप रहा है कि वो आके आपको बोल रहे हैं अरे ये पढ़ लो भाई, ये आ जाएगा, वो पढ़ लो, तो ये एक तरीके से बीट अबाउट द बुश हो गया, या बीट अबाउट द बुश का मतलब वहां पर भी लग सकते हो कि जैसे कहीं कन्वर्सेशन चल रहा है, अब 10 लोग बैठ के एक बात कर रहे हैं और एक बंदा आया, उसका अपना अलग ही राग अलाप हो रहा है, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू से एवरीथिंग एक्सेप्ट द मेन टॉपिक, सब कुछ कहो लेकिन जो मेन टॉपिक है वो ना करो, सब कुछ करो, समझ रहे हो ना, कि जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो सारा 8 8 10 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो बीट अबाउट द बुश कहने के सेंस में आता है, टू से एवरीथिंग करने के सेंस में नहीं, कहने के सेंस में आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को। मेक रूम, मेक रूम का मतलब होता है मेक स्पेस, जगह देना। मेंड योर वेज, मेंड वेज का मतलब होता है कि अपना बिहेवियर सुधारना, इम्प्रूव वंस बिहेवियर। बेगर डिस्क्रिप्शन, ऐसा चीज जिसका हम डिस्क्राइब ना कर सके, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है ना कि जहां पे अपना पैर रख लो बस हिलाओ ही मत, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि आप कोई काम करना ही नहीं चाहो, क्या कोई काम करना ही नहीं चाहो। बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना। होप अगेंस्ट होप, ये भी मैं आपको बताया हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज करो कि एक ओवर में जो है आपको 6 7 रन चाहिए हो, और आप ये सोच रहे हो कि एक नो बॉल हो जाए, एक छक्का लग जाए, अब ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि हम उम्मीद नहीं है फिर भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि हो जाए, ऐसा हो जाए, तो होप अगेंस्ट होप का मतलब ये होता है। नेचर और एन इम्पॉसिबल होप। फॉर कीप्स, फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर कीप्स हमेशा के लिए रख लो, फॉर ईवर। इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पेल्ड इन टू इनसिग्निफिकेंस, सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, पेल इन टू इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस से इसको याद रख सकते हो कि कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, मतलब पहले से कम इंपॉर्टेंट हो जाए। विथ वन वॉयस, विथ वन वॉयस मैंने आपको बताया यूनानिमसली होता है इसका मतलब। मेक इट लाइट, मेक इट लाइट का मतलब है ट्रीट लाइटली, मेक इट लाइट ट्रीट लाइटली। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच का मतलब होता है इंटायरली, ये ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, इंटायरली। एवरी इंच ए जेंटलमैन मतलब वो पूरी तरीके से जेंटलमैन है। ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, टार्टर इसका ऑप्शन दिया हुआ था, ये सीधा सीधा सिर्फ मीनिंग ही दी हुई है, टार्टर मतलब ऐसे ही होता है, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में दे दिया था कि या इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले सकते हो, ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, इसको बोलते हैं टार्टर। टू एड फ्यूल टू द फायर, वो होता है ना कि जले पे नमक छिड़कना या आग में घी डालना, जले पे नमक छिड़कना दूसरा होता है, यहाँ पे सीधा मतलब यह है कि आग में घी डालना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कि कोई अगर कंडीशन खराब हो तो उसको और कंडीशन खराब करना। मेक थिंग वर्स, टू टेक टू हियर, दिल पे लेना। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। टू रिवील ऑल मून साइन, अभी ऊपर बताया। फार फ्रॉम रियलिटी, मून साइन एक में होगा या अलग अलग वर्ड होने के बजाय। एट ए स्नेल्स पेस, एट ए स्नेल्स पेस का मतलब होता है स्लोली, आराम आराम से, क्या आराम आराम से। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है पे ए विजिट, किसी से मिलने जाना, क्या करना, किसी से मिलना जाना, कॉल ऑन। अब ये मैं आपको फ्रेजल वर्ब में पढ़ाऊंगा। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, जानते हो। वंस इन ए ब्लू मीन, वंस ए ब्लू मीन का मतलब होता है कि बहुत रेयरली, कभी काल को, वेरी रेयरली। फिश आउट ऑफ वाटर, अब मैंने एक बार बताया था फिश इन ट्रबल्ड वाटर और फिश आउट ऑफ वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन का लाभ उठाना, और फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो। बी डाउन विथ, बी डाउन विथ का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम, किसी चीज़ से सफर करना। बी डाउन विथ, ये भी स्टॉक मार्क करना क्योंकि ये ऐसी चीज़ है तो थोड़ा सा लेट याद होगा, मुझे तो एक्सपीरियंस है कौन कौन से वर्ड लेट याद होते हैं। बी डाउन विथ का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम, किसी चीज़ से सफर करना। फेयर विदर फ्रेंड, फेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है कि सपोर्ट ओनली वेन ईजी एंड कन्वेंट, मतलब एक वो बंदा, एक वो दोस्त होता है जो आपके अच्छे समय में आपका साथ दे, बुरे समय में आपका साथ ना दे। तो फेयर विदर फ्रेंड, फेयर विदर फ्रेंड मतलब ये हो गया कि जब आपका कंडीशन, जब आपका मौसम सही हो तब बंदा साथ दे, और बंदा जब कंडीशन खराब हो तो बंदा साथ ना, तो बहुत रेयरली होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, फेयर विदर फ्रेंड होते हैं। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर का मतलब होता है वर्क हारमोनियसली, मतलब साथ में काम करना। जैसे मैं और आशीष सर आपको साथ में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक, हम दोनों मिलके, मतलब ये आपका एस एस सी सीजल चैनल पुल टुगेदर कर रहे हैं, तो वर्क हार्मोनियसली, हमारा ट्यून एक जैसा है। टू बरी द हैटचेट, टू मेक पीस, टू बरी द हैटचेट का मतलब हो रहा है कि बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें पीस बनाना, टू मेक पीस। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, टू हैव ए वेरी गुड सेल। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब ये होता है कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, उसमें आपका बहुत अच्छा सेल हो रहा है, तो वहां पे ये इस्तेमाल होता है। इसको भी स्टॉक मार्क करिएगा क्योंकि इसको भी याद करने में, एक बार समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, किसी
कि जैसे गरम गरम केक बेचना नहीं होता है, तो उस तरीके से है कि कोई काम कर रहे हो उसमें जो आप सेल है, जो बिजनेस कर रहे हो उसमें सेल है, बहुत तेजी से हो रहा हो। स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड स्कॉट। ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई चीज करना और पकड़े ना जाना, मतलब चोरी कर रहे हो अगर पकड़ भी जाना तो जो है छूट जाना, तो अनपनिश्ड होता है। टू गिव वंस एयर, बिहेव एरोगेंटली, टू गिव वंस एयर अपनी हवा देना, ठीक है, बिहेव एरोगेंटली मतलब बुरी तरीके से बर्ताव करना। एट ए स्टोन थ्रो, एट ए स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि जैसे पत्थर मारते हो ना, भाई पत्थर फेंका उसी जगह पे है तो मतलब बहुत नजदीक है। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का डर, सॉरी डर नहीं, झगड़े की वजह है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि अगर आपने जैसे कोई काम किया, या फिर ऐसा होता है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई सर्कमस्टांसेस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया कि आप जो है वो नहीं होता है कि जले का घूंट पीना, मतलब ऐसा होता है कि आप को ह्यूमिलेट कर दिया जाए, आपने वो काम ना किया हो और आपके ऊपर दोष लगा लिया जाए, तो उस तरीके से आप जैसे थूक के चाटना नहीं कहते हैं, तो टू ईट हम्बल पाई इस तरीके से आप जान सकते हैं, टू ईल अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेज। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हाँ इसको याद रख सकते हो कि आप जैसे थूक के चाटना होता है तो ऐसा होता है कि सिचुएशन हो आपके लिए बहुत बुरी हो, क्या हो, बहुत बुरी हो। टू इल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। टू इंड इन स्मोक, टू इंड स्मोक का मतलब होता है कि कोई काम में फेल हो जाना, क्या हो जाना, कोई काम में फेल हो जाना, कोई रिजल्ट ना देना। टू इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, टू फेल। टू स्पिल द बीन, टू स्पिल द बीन का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई सीक्रेट हो और आप उसे रिवील कर दो, आप उसे बता दो। ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे तो रहे हो लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है एक्चुअली, वो मतलब उसको डिस्गाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको डिस्गाइज कर रहे हो, मतलब कहने के लिए तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो लेकिन उसमें आपका छुपा हुआ हिडन मीनिंग कुछ और है, हिडन मीनिंग उसको इंसल्ट करने का है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो लेकिन इंसल्ट करते हुए। तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है मेक ए पुअर इंप्रेशन। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मैंने बताया था इसका मतलब होता है रेप्रीमेंड, जो है स्कोल्ड करना, क्या करना, डांटना। बैड ब्लड ये भी पढ़ा चुका हूँ, इनमिटी, मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच होता है। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है डरना, क्या करना, डरना, फियर। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट, जहां पे आपको उम्मीद की जा रही थी जैसा इंप्रेशन छोड़ने का वो नहीं किया, नॉट टू द पॉइंट इसका मतलब होता है, बिसाइड द मार्क। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स, इन सस्पेंड एंड एंजाइटी, ऑन टेंटर ये भी स्टॉक मार्क कीजिएगा, ऑन टेंटर हुक्स, इन सस्पेंड एंड एंजाइटी मतलब आप के अंदर जो है एंजाइटी भरी हो, आप मतलब ऐसे हो ना कि बहुत अजीब सा फील कर रहे हो, आप डिसाइडेड नहीं हो किसी चीज में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा बुरा फीलिंग हो एक तरीके से, इस चीज को आप समझ सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आप जैसे सस्पेंस में हो, क्या करे क्या ना करे, बहुत सारा जो है आपके अंदर एंजाइटी भरा हो, मतलब बुरी फीलिंग्स भरी हो। ए कुको इन द नेस्ट, ए कुको इन द नेस्ट, ए अनवेलकम्ड इंट्रूडर, ए कुको इन द नेस्ट एन अनवेलकम इंट्रूडर, ऐसा बंदा जो जिसकी मतलब लगता नहीं वो यहाँ पे होना चाहिए लेकिन जबरदस्ती घुसा पड़ा है, क्या है, जबरदस्ती घुसा पड़ा है। ए हाउस ऑफ कार्ड्स एन इनसिक्योर स्कीम, ए हाउस ऑफ कार्ड्स का, कार्ड्स जानते हो ना, कार्ड्स वाले गेम में क्या होता है कि कभी भी सिक्योरिटी नहीं रहती कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड रहता है, उसी तरह ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है कि एक ऐसी स्कीम जिसका भरोसा ना हो क्या होगा क्या ना होगा। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, ये आपने बहुत जगह सुना होगा अगर आप इन लोग इंग्लिश सीरीज देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो टू स्मेल ए रैट अक्सर करके वर्ड आता रहता है, तो इसका मतलब होता है कि सस्पेक्ट करना कि कोई गलत डीलिंग हो रही है। ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, ये भी मैं बता चुका हूँ कि जैसे कोई नया बंदा हो और उसकी सोच जो है एक बुजुर्ग की तरह हो। टू बी वाइज बियॉन्ड वन सेज, ए वाइल्ड गुड चेस, ए वाइल्ड गुड चेस का मतलब होता है पॉइंटलेस सर्च। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है टू बी डीफ, मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब वो सुन नहीं सकता, हार्ड है सुनने में, तो टू बी डीप मतलब बहरा है, क्या है, बहरा है। बर्न योर बोट्स, बर्न योर, टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न द प्रीवियस, अब अपना बोट जला दोगे तो लौटोगे कहां से वापस यार, तो मतलब ऐसा काम करना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जहां से आप वापस ना सको। ड्रेसिंग टाउन, ड्रेसिंग डाउन, टू गिव स्कोल्डिंग, ड्रेसिंग डाउन ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ड्रेसिंग डाउन, ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है टू गिव स्कोल्डिंग, किसी को डांटना, किसी को अपनी तरफ से फटकार लगाना। नल एंड वॉइड,
इनवैलिड। ड्रेसिंग डाउन का यहाँ से इसको मैं कोरिलेट करता हूँ कि आप इसको याद कैसे करोगे। जैसे ड्रेस, आपने किसी ने ड्रेस पहना, आपको उसको डाउन बना दिया, क्या कर दिया, बोल दिया भाई ड्रेस खराब है, ये करा। इसको ऐसे याद करते हो कि स्कोल्ड करना, क्या करना, स्कोल्ड करना, डांटना। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड। इसके ऑप्शन में जीरो भी लिख के आता है, क्या, जीरो भी लिख के आता है। तो ध्यान रखिएगा कि नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड, जीरो नहीं होता है। इसको इस तरह समझ सकते हो कि जैसे एक ये होता है, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा सेट वगैरह, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट है आप देने जा रहे हो तो सेट वगैरह पढ़े होंगे। एक तो ये होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, एक तो ऐसा होता है कि जीरो। तो जब ऑप्शन जीरो हो तो मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन नल एंड वाइट का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, एक ऐसा बंदा जिससे हम जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते थे लेकिन वो जबरदस्ती जीत गया, तो ए डार्क हॉर्स उसके लिए आता है। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज करना। बट इन, बट इन का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, क्या होता है, बट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। तो इसको भी स्टार मार्क करिएगा, ये भी याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं अभी बता रहा हूँ कि बार बार भूलोगे। बट इन इसीलिए मैं इम्पसाइज कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ आपको कि बट इन ये जितने भी स्टार मार्क है इसको अलग से रख के पहले याद कीजिएगा। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो का मतलब होता है कि एक बंदा ऐसा नहीं है जो घर में बैठा हुआ है, सोफे पे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, ठीक है, तो ये होता है काउच पोटैटो, उसको बोलते हैं। कैरी द बाल, कैरी द बाल का मतलब ये होता है जैसे कि इंचार्ज होना, क्या होना, इंचार्ज होना। एक टीम होता है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, एक बंदा ही ऊपर होता है जो पूरा का पूरा जो है इंचार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं कैरी द बाल, जो बॉल को कैरी कर रहा है मतलब इंचार्ज में है। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना किसी चीज को, क्या करना, रिजेक्ट करना। कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर का मतलब होता है टू डील विथ ए पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। कैच ए टार्टर का मतलब होता है जैसे समझिए इसको कि कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके अपने मैच का नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है लेकिन आपसे ज्यादा लेवल का है और उसके बाद भी आप उसके साथ डीलिंग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कैच ए टार्टर। कैप इन हैंड, इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, कैप इन हैंड आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप ऑफिसर वगैरह को देखते हो हमेशा जो है या तो सर पे लगाए रहते हैं, हाथ में लिए रहते हैं, ऐसे बगल में दबाए रहते हैं, तो कैप इन हैंड का मतलब हो गया कि भाई वो अब रेस्पेक्टफुल, इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर है बंदा, ठीक है। तो कैप इन हैंड एक तो इसको ऐसे समझ सकते हो, और दूसरी चीज ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई बंदा आया तो क्या होता है, ऑफिसर वगैरह अपना कैप उठाते हैं हेड से और हाथ में रख लेते हैं, तो वो किसी को सम्मान दे रहे होते हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। तो कैप इन हैंड का मतलब आप दो तरीके से इसको याद रख सकते हो, एक तो वो कि किसी के पास कैप रहती है जैसे ऑफिसर वगैरह होती है तो उनको रेस्पेक्ट लोग देते हैं, या फिर वो अगर अपने सर से जो है कैप उतारते हैं तो किसी को रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो इनको इस तरीके से याद रख सकते हो। और जो ज़्यादा इसकी मीनिंग निकलती है वो कैप इन हैंड का मतलब ये निकलता है कि जैसे कोई ऑफिसर वगैरह आया, कोई उससे सीनियर ऑफिसर वगैरह आया, तो वो अपना कैप क्या करता है, उठा के अपने हाथ पे रख लेता है और सर हल्का सा झुकाता है, तो कैप इन हैंड का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट ये निकलना निकलेगा कि सम्मान देना किसी को। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, क्या होना, उदास होना, ब्लू में हो, इन द ब्लूज मतलब उदास होना। चिक बाई जॉल्स, चेक बाई जॉल्स का मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर, जॉल जानते हो ना, ये आपके जबड़े की बात होती है, जॉल जबड़ा होता है ना, तो ये बहुत क्लोज होता है, तो क्लोज टुगेदर। बियॉन्ड द पेल, अनरीजनेबल और अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है कि मतलब रीजन ना हो उसका कोई, अनएक्सपेक्टेबल हो, जो आप उम्मीद ना कर रहे हो। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपने आप की बड़ाई करना, क्या करना, अपने आप की बड़ाई करना, अपने आप की बड़ाई करना, अपने काम की बड़ाई करना। ओन ट्रम्पेट का मतलब ये होता है कि थ्रम्प जानते हैं आप, थ्रम्प मतलब होता है विन, तो अपना कोई काम जो आपने कर रखा हो उसका जो है आप बोले जा रहे हो मैंने ये किया मैंने किया, तो फ्रेज वन से भी इसके लिए जो है इसका मीनिंग निकलता है। स्टिक टू गन्स, स्टिक टू गन्स का मतलब होता है मेंटेन वन ओन ओपिनियन, स्टिक टू वन गन, जैसे ना होता नहीं है कि किसी के ऊपर जो है बोलते रिवॉल्वर मेरे पास है मेरी बात ही मनेगी, तो वो वही होता है कि मेंटेन ओन गन, कि अपनी बात मनवाना। एट सी, एट सी का मतलब होता है एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, ये भी ऑप्शंस में आता है। एट सी का मतलब होता है कि आप ऐसी जगह पे हो जहां पे कंफ्यूज हो, जहां पे आपको पता नहीं है कहां पे जाना है, तो एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, ये सारा सारा इसकी मीनिंग देता है बदल बदल के। स्ट्रॉ इन द वाइंड, स्ट्रॉ इन द वाइंड एन इंडिकेशन ऑफ वॉट माइट हैपन, स्ट्रॉ इन द वाइंड का मतलब होता है कि इस तरीके का इंडिकेशन कि क्या अब होने वाला है, स्ट्रॉ इन द वाइंड का मतलब होता है कि क्या अब होने वाला है, एन इंडिकेशन ऑफ वॉट माइट हैपन। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई काम हुआ उसमें गलती किसी की भी हो लेकिन पनिशमेंट किसको मिल रहा है, आपको, तो वो होता है फेस द म्यूजिक, पनिशमेंट फेस करना, बी पनिश्ड। करी फेवर, करी फेवर, सीक फेवरेबल अटेंशन, किसी के अच्छे उसमें होना, बुक में होना, बोले तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई बंदा है मेरा बहुत लविंग है, तो उसके लिए बोलते हैं करी फेवर, कि वो मेरे करी फेवर में है। व्हील एंड वॉ, ये होता है गुड टाइम्स बैड टाइम, दुख एंड सारो,
कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है चैलेंज करना किसी को, कॉल इन क्वेश्चन किसी को बुलाना क्वेश्चन के लिए कि अरे सॉल्व करके दिखाओ, तो कॉल इन क्वेश्चन मतलब किसी को चैलेंज करना। मेक बॉथ इंड्स मीट, मेक बॉथ इंड्स का मीन का मतलब होता है कि रह गुजारा करना, जो भी आपके पास है उसमें रह गुजारा करना। लिव विथ इन मीन्स जो भी आपके पास है उसके अंदर रह गुजारा करना, रह गुजारा करना। पुट अप द शटर्स, पुट अप द शटर का मतलब होता है गो आउट ऑफ बिजनेस, गो आउट ऑफ, पुट अप द शटर, पुट अप द शटर, गो आउट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे पुट अप द शटर कर दिया आपने, कि जो भी आपका बिजनेस था उसके बाहर जाके आप काम कर रहे हो। ए ड्रॉप इन ए बकेट, ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ए ड्रॉप इन ए बकेट, बकेट में एक ड्रॉप डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत जरा सा चीज, क्या बहुत जरा सा चीज। ड्रॉ ए ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक, ब्लैंक ड्रॉ करना, कुछ भी ना ड्रॉ करना। अब आपने कुछ ड्रॉ नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, तो क्या आपको फेवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, फाइंड नो फेवर। टू कीप इन एबियांस, इसका मतलब होता है कि अनडिसाइडेड स्टेट में होना, इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन, आपको पता ना हो कि आप किधर जाए, क्या करे क्या ना करे। टू कीप इन अबियांस का मतलब ये होता है टू बी इन ए फिक्स इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। टू ब्रेक इन द आइस, टू ब्रेक, सॉरी, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है क्या कि मेक पीपल कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, स्टार्ट कन्वर्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सब यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, सन्नाटा छाया हुआ, कोई बातचीत नहीं हो रही, तो इस शांति को भंग करना, मतलब इनके बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टू ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है, अब सन्नाटा छाया है, वहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है, तो कंफर्टेबल सिचुएशन में कोई है तो नहीं, तो उनको कंफर्टेबल सिचुएशन में लाना। आइस ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में थोड़ा सा कन्वर्सेशन जारी कराना, ताकि सब लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं। एज ए ड्राफ्ट, एज ए ब्रश, एज ए ड्राफ्ट, एज ए ब्रश का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली सिली, मामूली सा, क्या होता है, मामूली सा, एक्सट्रीमली सिली, मामूली सा। इन ए नटसेल, ब्रीफ या कंसाइजली, ये मैं बता चुका हूँ संक्षिप्त में। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कि बहुत सारा मेहनत करना, जो कुछ भी आपके पास हो कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सारा का सारा। जैसे आप SSC CGL के लिए अगर आपको क्रैक करना है, आपको टॉप रैंक में जाना है, तो आपको सारे स्ट्रेन जो है नर्व करना पड़ेगा। तो स्ट्रेन एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड। इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है ओल्ड एज, इसे समझ सकते हैं कि मॉर्निंग बचपन का एज, नून जो भी बीच वाला एज समझ लीजिए, इवनिंग ओल्ड एज। बटन वन स्लिप, बटन वन स्लिप, अपने जुबान पे जो है बटन लगाना, ऐसे समझिए कि मतलब बात करना बंद करना। कॉक एंड बुल स्टोरी, ये दोबारा यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। ए लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब होता है लाइवली एंड एक्टिव, क्या होता है, लाइवली एंड एक्टिव, जो मतलब जिसके अंदर आपको एनर्जी दिख रही हो। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनाल्टी, डेथ सेंटेंस, किसी को मृत्यु की सजा। लीप्स एंड बाउंस रैपिडली, क्या होता है, लीप्स एंड बाउंड रैपिडली। वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब यह है कि कान के पीछे गीला, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि उसको कुछ ना पता हो, कुछ ना सुना हो, कुछ ना हो, कोई भी एक्सपीरियंस ना हो उसको। अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशियन, ये भी ऊपर आया था वापस से। गेट द सैक, बी डिसमिस्ड, किसी को सैक कर देना, डिसमिस कर देना, क्या करना, सैक कर देना, डिसमिस कर देना। फियर इन वंस कैप, फीदर इन वंस का भी ऊपर आया था कि एडिशनल डिस्टिंक्शन है, न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन। फीदर इन वंस कैप का ये भी मतलब था, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसको अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि डिसऑनेस्ट वे से जो है अपने आप को फायदा पहुंचाना। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम, क्या होता है, लॉन्ग टाइम, बड़ा समय, बहुत बड़ा समय। लीव नो स्टोन अनटर्न, अभी ऊपर देखा मैंने, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर बंदा, बुद्धिमान बंदा। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड का मतलब होता है रिमेंबर करना, क्या करना, रिमेंबर करना, याद करना। टू निप इन द बड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग। टू पुट ए स्पोक इन द व्हील, अभी आया था। टू हाइंडर, टू क्लिप वंस वीक विंग्स, टू डिप्रीव वंस ऑफ पावर, या बी लास्ट वाले मॉक में हमने किया था इसको। होल्ड अप, डिले करना, हेल्ड अप आया था उसमें, यहाँ पे होल्ड अप दिया हुआ, हेल्ड अप, अभी इसके पहले मॉक वाले में हमने हेल्ड अप किया था, ठीक है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ये भी किया है। टू एक्ट एन अनरिलायबल वे, कि एक बात कहना दूसरी बात करना, तो मतलब आपकी बात का भरोसा ना होना। फीदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। प्ले फास्ट वन, प्ले ए ट्रिक, फीदर वन वंस ओन नेस्ट और फीदर इन वंस कैप, ये देखिए दो सिमिलर वर्ड है,
इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिए, मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी देख के। फिदर इन वंस कैप, इसका मतलब होता है न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, आपके अंदर कोई एडिशनल सक्सेस मिले। और फिदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है मेक मनी इन इन प्रॉपर वे। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो मीनिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कीजिएगा। फिदर इन वंस कैप का मतलब होता है न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन या सक्सेस, या कोई आपको एक और अलग से कोई चीज मिल जाए, ठीक है, सफलता की। और फीदर इन वंस नेस्ट का मतलब होता है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। पुले फास्ट वन, प्ले ट्रिक, पुले फास्ट वन का मतलब होता है कि कोई ट्रिक खेलना, प्ले ए ट्रिक। ग्रीस द पॉम, ग्रीस द पॉम का मतलब होता है किसी को ब्राइब करना, किसी को ब्राइब करना, घूस देना। टर्न टर्टल, कंप्लीट ओवर टर्न ऑफ ए सिचुएशन, पूरा सिचुएशन पलट देना, क्या करना, पूरा सिचुएशन पलट देना। थ्रो अप कार्ड्स, थ्रो अप कार्ड्स का मतलब होता है टू गिव इन, टू ब्लो अवे द प्लान, पूरा का पूरा जो प्लान है उसको बर्बाद कर देना। कार्ड जो है, जैसे कार्ड आप ऐसे लेके खेल रहे हो, उसमें सब छुपा छुपा के रखते हैं, अब अपने कार्ड अपने फेंक दिया। टू गिव इन, एल्ड कर दिया। टू ब्लो अवे द प्लान, प्लान खराब कर दिया। वोट विथ योर फीट, वोट विथ योर फीट, शोइंग योर डिसअप्रूवल, कहते हैं ना कि मेरे पैर से वोट देंगे हम, वोट विथ योर फीट, उंगलियों से ना देके जो है फीट से देंगे, इसका मतलब होता है कि आप डिसअप्रूवल शो कर रहे हो। डॉग इन ए मैनेजर, ए सेल्फिश पर्सन, डॉग इन ए मैनेजर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सेल्फिश है। डॉग इन ए मैनेजर, जो मैनेजर और डॉग है, डॉग मैनेजर के अंदर डॉग है, मतलब वो सेल्फिश पर्सन है। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है कि छोटी छोटी डिटेल, प्रोवाइडिंग माइन्यूट्स डिटेल। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है, हम कहते नहीं कि इसका चैप्टर एंड वर्स चाहिए, मतलब हर छोटी सी छोटी डिटेल चाहिए। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है एम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, एम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, टू मेक एवरीवन चीयर। ये आप वहां पे देखते होंगे जब कोई शो हो रहा होता है बहुत सारा, तो कोई बंदा ऐसा होता नहीं कि ऐसा परफॉर्मेंस दे देता है कि सारा का सारा जो है लोग उसके गुणगान करते रहते, तो वहां पे इस्तेमाल होता है ब्रिंग डाउन द हाउस, उसने जो है पूरा का पूरा ब्रिंग डाउन कर दिया हाउस को, मतलब सभी को खुश कर दिया, सभी को प्रसन्न करना। गिव ए वाइल्ड बर्थ, वाइड बर्थ टू, टू स्टे अवे फ्रॉम ए अवॉइड समथिंग। गिव ए वाइड बर्थ टू का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी आदमी को अवॉइड करना, किसी चीज़ से अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना, क्या करना, दूर रहना। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, आप लोग को पता है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, क्या होता है, इन राइटिंग। बिसाइड द मार्क, इररिलेवेंट, नॉट टू बी एक्यूरेट, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इररिलेवेंट, नॉट टू द एक्यूरेट, जो सही ना हो, बिसाइड द मार्क, जो चाहिए उसके अलावा। तो आज के लिए मैं इतना ही ले रहा हूँ, इसके आगे का बाकी का मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर ले, याद कर ले, रख सकें। तो वीडियोज़ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें करना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि ये बिल्कुल से जल्दी जल्दी याद हो जाता है ईडीएम एक्चुअली, बस एक बार आपको हल्का सा मतलब पता हो। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए। अभी मैं पूरे के पूरे आपको जो है 2016, 15, 14, 13, 12, 10, 11 जितने भी आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में सब करा दूंगा। जैसे ही आपने एक बार उसे कंप्लीट किया, तो एक आध या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाहर से आ सकते हैं, वो भी बहुत आपका बुरा लग रहा तो, और अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, जो इतने 700-800 वर्ड है इसी में से कोई ना कोई आपको आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है टीयर वन में। और फिर जब एक बार ये कंप्लीट हो जाए, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपके जुबान पे हो, तब हम इसके आगे और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दोनों बंदों को पढ़ाता हूँ, एक तो वो जिनको अभी कुछ नहीं पता है, एक वो जो मिडिल में है, एक जो टॉप स्कोरर है। तो पहले तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले, जिससे आपका 40 बने, फिर आपको 45 कैसे पहुँचा जाता है वो भी दूंगा, और फिर 45 के ऊपर 50 तक कैसे जाता है, तो वो सारा का सारा मैटर मैं दूंगा। अब आप किस स्थिति में है, आपको यह देख के चेक करना होगा कि आप जिस पोजीशन पे हो वहां से पहले, ऐसा मत कीजिए कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, आप टॉप वाला पढ़ लो, किसी देश भर का मेहनत करो, आपको दो नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी के दो क्वेश्चन सही करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 20, 25, 30 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत काफ़ी होती है, उसके बाद 40 नंबर तक जाने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क और थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ता है। 40 के ऊपर जैसे आप पढ़ते हो 45 तक, उस वक्त आपका जो है ढेर सारी बुक पढ़ डालोगे, कहो हजार हजार और ईडियम याद कर डालोगे, तब आपके वो दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और बाकी के जो एक दो क्वेश्चन होते हैं, उतना पढ़ने के बाद भी आपका लक काम करेगा कि नहीं काम करेगा एग्जाम में, इस पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है डे में फिर मिलेंगे वह कैप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।